हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको स्वीट कॉर्न से, इस तरह फ्रोजन स्वीट कॉर्न, जैसे हमने आधा किलो लिए आप, और उसको फिर मैंने इस तरह देखिए मिक्सी में अच्छे से पीस लिया। अब इससे कुछ ही मिनटों में टेस्टी हलवा कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ। कढ़ाई पे पहले आप घी दे दीजिए, आधा से थोड़ा ज्यादा ही चम्मच दीजिए, बड़ी चम्मच। और मैंने क्या की, घी जब तक गर्म होता है, ये देखिए इसको अच्छे से खूब ये देख ले कि अच्छे से पिसा गया है, इसलिए है। और अगर ये तीन कटोरी है तो 3/4 माने एक कटोरी से थोड़ा कम चीनी लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम लिए हैं और इलायची पाउडर है 1 चम्मच। और अगर आपके पास दूध है तो आप दूध लें, और आप चाहें तो इस तरह मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं आधा कटोरी, और अगर दूध है तो आप वो भी 1 बड़ी कटोरी दूध। अब ये इधर घी गर्म हो गया है, चाहे तो इनमें बादाम पहले से भी और भी सेक के रख सकते हैं, या इसमें अब हम ये जो हमने किया है अच्छे से पूरा इसमें डाल देंगे और ये इसे चलाते रहें। और सो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमने पेस्ट बनाया था पूरा, अब इसे कढ़ाई में आप डाल लीजिए और इसे अब धीरे धीरे हम मंदी आँच में सेकेंगे ताकि इस पे लगे नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, 8-10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं जो हमने घी दिया था वो भी अब ये छोड़ने लग गया और अच्छी तरह सिक गए हैं मकई के जो हमने कॉर्न पीसा हुआ दिया, और इसमें बादाम जो की दिए थे ये भी दे दिए हैं, और इलायची पाउडर पहले दिया, इलायची भी दिए। अब क्या करेंगे इसमें हम, दूध है तो आप दूध दीजिए, नहीं तो इस तरह ये 4 चम्मच आधी कटोरी मैंने दी है ये इसमें देंगे। और चीनी आप कम बेसी अपने स्वाद के अनुसार भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 कटोरी से थोड़ी कम दी है, आप थोड़ी ज्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, और कम मीठा खाते हैं तो। और अब इसे अच्छे से हम इसे पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम जो घी दिया था वो भी अलग अलग थोड़ा छोड़ दिया है, और किस बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और ये हो गया हमारा मकई का हलवा तैयार, रेडी टू सर्व। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मकई का हलवा एकदम सर्व करने के लिए तैयार, और इसमें आप चाहें तो ऊपर से और ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स ये देखिए, क्रिस्पी और टेस्टी पूड़ी बनाने के लिए आटा लीजिए आप 1 कटोरी, 1/4 लीजिए उसमें सूजी, और 1/4 उसमें मिलाइए आप मैदा, और थोड़ा सा नमक, अजवाइन चाहे तो वो भी दे सकते हैं, और इस तरह आटा किस तरह मैंने दिखाया है ऐसे करके बना लीजिए, और छोटे छोटे पेड़ इस तरह बना के, ये देखिए बनाया। गैस पे आपने कढ़ाई चढ़ा दी, तेल गर्म करने रख दिया, और बस एक एक पूड़ी को ऐसे उठाया, एक साथ भी बेल के रख सकते हैं, ये देखिए इस तरह। बस हो गई आपकी पूरी तैयार, आंच मीडियम रखें, ये देखिए कितनी टेस्टी फुली फुली क्रिस्पी पूड़ियां आपकी तैयार। देखिए मैं आपको मिक्स्ड सब्जी बना के दिखाती हूँ वेजिटेबल्स की, और वो भी विदाउट लहसुन प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बरबट्टी, बीन्स, सबको इस तरह आप छोटे छोटे पीसेस मैंने बना लिए। कढ़ाई पे आप 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड लीजिए, ये देखिए गर्म हो गया, और इसमें गर्म होने के बाद ज़्यादा मसाले नहीं देंगे, ये देखिए अब जीरा दीजिए और 1 सूखी लाल मिर्च, और इसमें अधिक मसाले नहीं लगते, ये देखिए धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये देखिए गर्म हो गया, आप देख सकते हैं विद इन 30 सेकेंड्स हो जाता है। सब सब्जी बनाई थी मिक्स वेज, और पहले इसमें हम सिर्फ 1/2 चम्मच नमक और हल्दी देके इसे ढकेंगे, सूखी बनाना है और धीरे धीरे इसे सीज हो जाए। फ्रेंड्स ये देखिए 5-10 मिनट हो गए बीच बीच में चलाते रहे, ये देखिए हमारी मिक्स्ड वेजिटेबल सूखी, ना लहसुन ना प्याज तैयार, खुशबू भी अच्छी आ रही है और बहुत अच्छी लग रही है।
ये देखिए मैं आपको आलू से बिना लहसुन प्याज के टेस्टी सब्जी बना के दिखाती हूँ। थोड़े रस सूखी भी बना सकते हैं। कढ़ाई में ये देखिए तेल लीजिए, आप चाहें तो थोड़ा बढ़िया घी में भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। ये घी गर्म हो गया तो इसमें आप दो सूखी मिर्च, तेज पत्ता है तो वो भी दे सकते हैं। मैंने ये देखिए दालचीनी दीजिए, जीरा दिया, चार लौंग दी, लौंग से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब ये जब तक गर्म होता है मैं आपको एक अलग तरीका बताती हूँ, मसाले अच्छे सीखते हैं। एक में थोड़ी कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें जो आप हल्दी लीजिए एक चम्मच, और नमक स्वाद के अनुसार, मैंने एक चम्मच लिया है बड़ा, और एक चम्मच ही मिर्च, लाल मिर्च भी आप अपने स्वाद के अनुसार, और जीरा। पानी में डालने का कारण बता रही हूँ, इससे मसाले बहुत अच्छी तरह सिकते हैं और जलते नहीं। ये देखिए अभी हमारा ये भी गर्म हो गया है, और इसमें हम चाहें तो थोड़ी सी हींग भी दे सकते हैं, बाकी इतनी चीजों की खुशबू है जरूरत नहीं पड़ती। हमने तैयार किया है इसे, आप इसमें देख सकते हैं जीरा गर्म हो गया है अच्छे से, इसमें आप देंगे इसे 3-4 मिनट तक हम इसे अच्छे से मसाले को इसमें सिकने देते हैं। तो ये जो मसाला है बहुत अच्छा रंग होगा, जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छा सिकेगा, कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स मसाला किस तरह सिक गया है, अगर हम पानी नहीं देते तो ये चिपक के जलता है। देखिए रिफाइंड अलग दिख रहा है सब मसाले, कलर भी बहुत अच्छा आया है। और इसमें जो उबले हुए आलू हमने छोटे छोटे पीसेस बनाए थे वो दे देंगे, और इसमें हमें जितना पानी चाहिए, अगर आपको अपने जैसे मैंने थोड़ा पानी दिया है, बहुत नहीं देंगे। अब ये देखिए इस तरह आप देख सकते हैं पहले से इतना कलर आ गया। अब इसे 3-4 मिनट हम अच्छे से और पकने देंगे पानी को, आलू हमारे उबले हुए हैं, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। फ्रेंड्स ये देखिए आलू की सब्जी, आप देख सकते हैं 5-10 मिनट हो गए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू। लहसुन प्याज देना जरूरी नहीं होता। अब इसमें आप चाहें ऊपर से थोड़ा सा, मैंने जैसे दिया है, एक दो दाने आप गरम मसाला दे दें, और धनिया पत्ती लाया हुआ है तो दे दें, वरना अपने आप में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी प्योर वेज थाली विदाउट लहसुन प्याज कुछ भी नहीं, आलू की सब्जी, मिक्स्ड वेजिटेबल पूड़ी, और हमारा कॉर्न का यानी मकई का हलवा। आई होप यू लाइक इट। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस ऑल।